गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में जो आज हम लोग का अगला टॉपिक है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मीन्स केंद्रक। जो न्यूक्लियस होता है, अगर न्यूक्लियस की खोज की बात किया जाए तो इसको सबसे पहले जो है इसकी जो खोज है डिस्कवर बाय इसको रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले जो है रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में सेल के अंदर एक पदार्थ देखा जिसको उन्होंने कहा कि यह जो है क्योंकि न्यूक्लियस है एकदम सेंटर पॉइंट पर प्रेजेंट होता है सेल के लगभग केंद्रीय भाग में रहता है, अतः इसे उन्होंने नाम दिया केंद्रक। न्यूक्लियस शब्द का इन्होंने यूज किया। न्यूक्लियस की अगर बात किया जाए जो न्यूक्लियस होता है यूजुअली जितने भी प्लांट्स होते हैं अगर जो भी सेल होते हैं तो एक सेल में अगर बात किया जाए तो एक सेल में यूजुअली एक न्यूक्लियस ही प्रेजेंट होता है। मतलब अगर यहां पर बात किया जाए एक यूजुअली जो नॉर्मली बात किया जाए तो नॉर्मली जो है एक सेल में एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन कुछ शैवालों में जो है एक से अधिक न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं। जैसे एक्सेप्शन केस मान लेते हैं कि क्लैडोफोरा जो होता है, इस क्लैडोफोरा या एक प्रकार का शैवाल है, इस क्लैडोफोरा में टू या इससे अधिक जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, टू आर मोर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से जो न्यूक्लियस होता है अगर सामान्य रूप से बात किया जाए तो एक सेल में एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन कुछ जाति जैसे क्लैडोफोरा में जो है दो या उससे अधिक न्यूक्लियस भी पाया जा सकता है। तो ये तो था न्यूक्लियस। इसके अलावा जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के सबसे कैरेक्टर की बात किया जाए तो सब जो न्यूक्लियस होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल का। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल का, उसके लिए जानेंगे कि जो न्यूक्लियस होता है ये इस न्यूक्लियस के अंदर पैरेंटल कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। जो पैरेंटल कैरेक्टर्स होते हैं ये न्यूक्लियस के द्वारा ही जो है पैरेंटल कैरेक्टर ये जो है न्यू जनरेशन में ट्रांसफर होता है। न्यू जनरेशन में ट्रांसफर होने का कारण होता है कि यहां पर जो है जो उसके पैतृक लक्षण होते हैं वे पैतृक लक्षण उसकी संतति लक्षणों में जो है प्रसारित होता है इसी न्यूक्लियस के द्वारा। इसके अलावा जो सेल का स्ट्रक्चर होता है, जो सेल शेप होता है, वो सेल का जो आकृति है उस सेल की शेप जो है वो भी जो है इसी न्यूक्लियस पर डिपेंड्स करती है। यानी सेल किसी भी कोशिका की जो आकृति है वो किस पर डिपेंड्स करती है, डिपेंड्स ऑन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पर वो पूरी तरह से जो है डिपेंड्स होती है। मीन्स यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस एक कोऑर्डिनेटिंग सेंटर का जो है फॉर्म काम कर रहा है, ऐसा कोऑर्डिनेटिंग सेंटर जो पूरे के पूरे सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा हो, इसीलिए इसको जो है कोऑर्डिनेटिंग सेंटर के नाम से भी जो जानते हैं। जो न्यूक्लियस होता है इसे हम लोग कोऑर्डिनेटिंग सेंटर के नाम से जानते हैं क्योंकि यह पूरा का पूरा जो सेल होता है उस सेल को कंट्रोल करता है। यानी कंट्रोल ऑफ सेल ये यहां पर कोशिका को नियंत्रित रखने का कार्य भी करता है। जिस आकृति के वहां पर ऐसा माना जाता है, हैमरलिंग ने अपने प्रयोगों से सिद्ध किया, एस्टेबलेरिया नामक शैवाल पर उन्होंने प्रयोग किया था हैमरलिंग ने, उन्होंने स्पष्ट किया था कि जिस प्रकार का न्यूक्लियस होता है उसी प्रकार के उसके सेल के स्ट्रक्चर होते हैं। तो जो सेल का स्ट्रक्चर होता है वो बेस्ड होता है किस पर, न्यूक्लियस के शेप पर बेस्ड होता है। तो जिस शेप का यूजुअली जिस शेप का न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के पास जिस भी शेप के जीन्स वहां पर है उसके जो है वहां पर लक्षण प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, उसी प्रकार के लक्षण जो है उसके न्यू जनरेशन या उसके सेल में पहुंचते हैं। तो इस तरह से एक तरह से जो है कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है सेल का, क्योंकि सेल को कंट्रोल करता है, सेल की विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को, विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी को, विभिन्न उसके शेप को, उसके साइज को, सबको कंट्रोल करने का जो कार्य करता है वो होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो होता है इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है हमारे सेल में, सेल में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के रूप में माना जाता है क्योंकि यह जो है पूरे सेल को जो है कंट्रोल करता है। बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन की अगर कि एक न्यूक्लियस में क्या क्या जो है पदार्थ पाए जाते हैं, तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, अगर एक ड्राई न्यूक्लियस लिया जाए, एक न्यूक्लियस का अगर शुष्क भार देखा जाए, जो ड्राई वेट होता है, ड्राई वेट ऑफ न्यूक्लियस लिया जाए, उसकी केमिकल कंपोजिशन की बात किया जाए, तो
एक न्यूक्लियस के जो ड्राई वेट होता है उसमें लगभग जो है जो प्रोटीन की मात्रा होती है लगभग 70% जो होता है वो प्रोटीन वहां पर प्रेजेंट होता है। इसके बाद जो फॉस्फोलिपिड होता है, फॉस्फोलिपिड भी प्रेजेंट होता है, ये फॉस्फोलिपिड की मात्रा 3-5% होती है। प्रोटीन की मात्रा 70% एंड फॉस्फोलिपिड जो होता है ये यहाँ पर 3-5% होता है। इसके अलावा जो डीएनए होता है इसमें डीएनए अप्रोक्स 10% प्रेजेंट होता है एंड आरएनए जो होता है आरएनए अप्रोक्स 2-3% आरएनए प्रेजेंट होता है इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है न्यूक्लियस में अगर उसके ड्राई वेट को देखें तो ड्राई वेट में प्रोटीन फॉस्फोलिपिड डीएनए एंड आरएनए प्रेजेंट होता है। तो ये तो था इसके केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। अब बात करते हैं यहां पर पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस की, पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस। देखिए जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अगर भाग की बात किया जाए तो केंद्रक में चार मुख्य भाग होते हैं। केंद्रक में मुख्यतः चार भाग होते हैं। पहला होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को जो है कैरियोथीका भी कह सकते हैं, न्यूक्लियस एंड थीका मींस मेम्ब्रेन, द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोथीका, इट इज आल्सो नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेकेंड होता है न्यूक्लियोप्लास्म, आल्सो नोन एज कैरियोप्लास्म, इसको कैरियोप्लास्म भी कह सकते हैं, तो ये न्यूक्लियोप्लास्ट या इसको लोग जो है कैरियोप्लास्ट भी कह सकते हैं। थर्ड होता है न्यूक्लियोलस, एंड फोर्थ होता है क्रोमैटिन थ्रेड, तो ये चार भाग जो है न्यूक्लियस से प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आल्सो नोन एज कैरियोथीका, न्यूक्लियोप्लास्ट आल्सो नोन एज कैरियोप्लास्ट, न्यूक्लियोलस एंड फोर्थ इज क्रोमैटिन थ्रेड। तो स्टार्टिंग करते हैं एक एक पार्ट्स के, इसके जो है डिस्क्राइब किया जाता है एक एक पार्ट्स को जो यहाँ पर देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज होती है। तो सबसे पहला जो पार्ट्स है इसमें देखते हैं, जो फर्स्ट पार्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, द फर्स्ट पार्ट ऑफ न्यूक्लियस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आल्सो नोन एज कैरियोथीका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसे कि नाम से स्पष्ट है न्यूक्लियर, न्यूक्लियस यानी केंद्रक, मेम्ब्रेनस आवरण झिल्ली, एक केंद्रक के चारों ओर पाए जाने वाला आवरण। जैसे अगर हमें फिगर के थ्रू इसको ड्रा करें तो ये मान लेते हैं न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो बाइलेयर होती है, कहीं कहीं पर यह जो है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उससे आच्छादित होती है, मीन्स उससे कंटिन्यूअस रहती है, उससे जुड़ी रहती है, ये कहीं कहीं पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा, तो ये कहीं कहीं पर ही पोर्शन रहता है, तो आवश्यकता नहीं कि सभी जगहों पर ये पाया जाए, बस ये है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो यहां पर दोहरी झिल्ली की बनी होती है। ये दोहरी झिल्ली क्या होता है इसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात किया जाए तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच बीच में देख रहे हैं यहां पर कुछ पोर भी प्रेजेंट है। अभी हम बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में दो आवरण प्रेजेंट है, एक आउटर मेम्ब्रेन एंड सेकेंड इज इनर मेम्ब्रेन होता है। ये जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, ये आउटर मेम्ब्रेन जो है यहाँ पर कहीं कहीं पर देख रहे हैं, यहाँ पर जस्ट हमने बना दिया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो कहीं कहीं पर यह जो है ईआर से जो है कंटिन्यूअस वे में जुड़ी हुई होती है, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन होता है इसी इनर मेम्ब्रेन के, जैसे यहाँ पर बात करें इसी इनर मेम्ब्रेन के ठीक नीचे, यहाँ पर जहां पर इनर मेम्ब्रेन है उसी के ठीक नीचे यहाँ पर न्यूक्लियर लैमिना प्रेजेंट होता है। ये न्यूक्लियर लैमिना जो होता है प्रोटीन होता है, ध्यान रहे ये न्यूक्लियर लैमिना जो होता है ये प्रोटीन होता है, न्यूक्लियर लैमिना से कहते हैं, जस्ट जो इनर मेम्ब्रेन होता है उसी के ठीक नीचे प्रेजेंट जो है प्रोटीन होता है।
ये जो न्यूक्लियर लैमिना होता है ये न्यूक्लियस को सहारा प्रदान करता है, केंद्रक को सहारा प्रदान करने का कार्य करता है। इसके अलावा इसके बीच में जो छिद्र प्रेजेंट है इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, इसको कहा जाता है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स NPC। तो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स अगर इसके साइज की बात करें तो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स होता है ये लगभग 120 नैनोमीटर का एक जो होता है बैरल शेप का होता है, 120 नैनोमीटर का एक ढोलक ढोलक की आकृति की संरचना होती है। बैरल शेप जो है ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स इसमें प्रेजेंट होता है, ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स जगह जगह पाई जाती है। अगर इसकी हम संख्या की बात करें तो इसकी संख्या अगर यूकेरियोट्स यानी ह्यूमन में बात करें तो लगभग 35 से लेकर के 50 न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं उसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाले भाग में। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है इसका एक और कार्य होता है कि जो भी इसके अंदर न्यूक्लियर के अंदर जो भी सब्सटेंस भरे उस सब्सटेंस को जो है ये घेर करके उसको जो है स्थिर रखने का कार्य भी करता है। इसके अलावा इसके अंदर का जो प्लाज्मा है मींस यहाँ पर जो न्यूक्लियो प्लाज्मा है जिसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, इस प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियो प्लाज्म इसको साइटोप्लाज्म से पृथक करने का कार्य जो होता है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का होता है। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर होते हैं, इसके बीच बीच में न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं। ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स बैरल शेप यानी ढोलक की आकृति का होता है, लगभग 120 नैनोमीटर की इसकी शेप होती है। तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आता है। इसके अलावा ये जो पूरा पार्ट से ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाता है, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फंक्शन बताया गया क्या होता है। इनर मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे यहीं पर न्यूक्लियर लैमिना पाया था जो प्रोटीन का बना होता है, इसका काम होता है जो न्यूक्लियस न्यूक्लियस को सहारा प्रदान करना। दूसरा जो पदार्थ पाया जाता है वो होता है यहाँ पर जो है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है न्यूक्लियोप्लाज्म की बात किया जाए तो इसे हमने अभी जस्ट बताया कि इसे हम जो है कैरियोप्लाज्म भी कह सकते हैं, न्यूक्लियस का एक तरल पदार्थ। जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है ये इसमें एक जो है तरल पदार्थ यानी ये प्रोटोप्लाज्म है, इसमें डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट है जो इसकी सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं, डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, इसमें राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं, उसी प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है जैसा कि साइटोप्लाज्म होता है। इसमें क्रोमेटिन धागे प्रेजेंट होते हैं, इसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। तो सारे इसमें सब्सटेंस जो सारे पदार्थ होते हैं वो इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं। तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म इज ए मॉडिफाइड आप प्रोटोप्लाज्म कह सकते हैं, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म का एक रूपांतरण है। प्रोटोप्लाज्म जिसमें जो है डिफरेंट टाइप्स के जो है जैसे एंजाइम्स, प्रोटीन्स, फास्फोलिपिड्स ये सारे पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। एक चीज और इसमें था जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो निर्माण होता है वो लिपोप्रोटीन का होता है। ध्यान रखिए लिपोप्रोटीन का बना होता है, लिपोप्रोटीन का मतलब होता है लिपिड और प्रोटीन का बना रहता है। तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, एक द्रव का अंश है, तरल पदार्थ, एक हल्का गाढ़ा पायसी तरल पदार्थ होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। तीसरा इसी में कहीं पर यहीं पर जो एक छोटा सा न्यूक्लियोलस पाया जाता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलस वैसे वहां पर बना तो दिया गया लेकिन ये ध्यान रहे कि न्यूक्लियोलस के ऊपर जो आवरण नहीं पाया जाता है, ये मेम्ब्रेन लेस होता है। न्यूक्लियोलस जो होता है वो मेम्ब्रेन लेस होता है, मेम्ब्रेन लेस होता है। न्यूक्लियोलस की बात किया जाए तो एक कोशिका में प्रायः एक ही जो है न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, अगर वन न्यूक्लियस एक न्यूक्लियस में अगर कहा जाए तो प्रायः जो है एक ही न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, लेकिन लेकिन कुछ प्लांट्स में जो है एक से अधिक न्यूक्लियोलस प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें प्याज की, प्याज मीन्स एलियम सिपा, जो प्याज होता है इस एलियम सिपा जिसको बोटेनिकल नेम है एलियम सिपा, इस प्याज के कोशिकाओं में एक न्यूक्लियस के अंदर जो है चार न्यूक्लियोलस तक हो सकते हैं, फोर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट्स इन वन न्यूक्लियस, फोर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट्स इन वन न्यूक्लियस। इस तरह से एक न्यूक्लियस के अंदर चार न्यूक्लियोलस भी हो सकते हैं जैसा कि एलियम सिपा में प्याज की कोशिकाओं में होता है। बात करते हैं न्यूक्लियोलस को सबसे पहले देखा किसने, इसको खोजा किसने, तो न्यूक्लियोलस की अगर बात किया जाए तो इसकी खोज जो है सबसे पहले जो है इसको
जो है देखे थे फोंटाना ने। फोंटाना ने सन 1781 ईस्वी में न्यूक्लियस की जो है खोज किए थे, लेकिन इन्होंने इसके लिए न्यूक्लियस शब्द का यूज नहीं किया था। जो न्यूक्लियस वर्ड है, इस न्यूक्लियस वर्ड का सबसे पहले जो प्रयोग है इसको जो है बॉमेंस ने दिया था। बॉमेंस ने जो है 1840 ईस्वी में जो है इसके लिए बॉमेंस ने जो है न्यूक्लियस वर्ड का यूज किया था। ये यहां पर प्रेजेंट है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की अगर हम लोग केमिकल कंपोजिशन की बात करें, इसमें भी कुछ केमिकल कंपोजिशन प्रेजेंट होते हैं। अगर इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करें, इसमें कौन कौन से रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं, तो इसमें भी जो है लगभग जो आरएनए की बात करें तो आरएनए इसमें लगभग जो है 10% आरएनए होता है। इसमें अगर प्रोटीन की बात करें तो लगभग जो इसमें 85% प्रोटीन होता है, और डीएनए की बात करें तो लगभग इसमें जो है 5% डीएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। देखिए जो न्यूक्लियस होता है इसमें भी कई पार्ट्स होते हैं। अगर हम पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस की बात करें, पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो होता है इसमें चार मुख्य भाग पाए जाते हैं। अगर न्यूक्लियस की बात किया जाए तो इसमें चार मुख्य भाग जो है प्रेजेंट होता है। सबसे पहला इसमें होता है एमॉर्फस मैट्रिक्स। ये जो एमॉर्फस मैट्रिक्स होता है, इस एमॉर्फस मैट्रिक्स को पार्स एमॉर्फा के नाम से भी जानते हैं। इट इज आल्सो नोन एज पार्स एमॉर्फा। पार्स एमॉर्फा के नाम से इसको जो है जाना जाता है। दूसरा होता है ये एमॉर्फस मैट्रिक्स जो होता है एक गाढ़ा सतह पदार्थ होता है। दूसरा इसमें होता है ग्रेनुलर पोर्शन। सेकेंड होता है ग्रेनुलर पोर्शन जो होता है दानेदार संरचना होती है। इसी न्यूक्लियस के अंदर दानेदार कुछ रवेदार जो है पदार्थ पाए जाते हैं, उसको जो है ग्रेनुलर पोर्शन के नाम से जो है जानते हैं। इसको जो है न्यूक्लियर, ये अगर इसकी बात करें प्रोटीन और आरएनए, ये प्रोटीन और आरएनए का बना होता है। इसमें प्रोटीन एंड आरएनए की अगर बात करें अंक रेशियो की, तो प्रोटीन और आरएनए का रेशियो दो अनुपात में यहां पर प्रेजेंट होता है। लगभग प्रोटीन के दो भाग और आरएनए का एक भाग यहां पर प्रेजेंट होता है। इसको जो है न्यूक्लियोलर राइबोसोम्स के भी नाम से जानते हैं। इसको जो है न्यूक्लियोलर राइबोसोम्स के नाम से भी जानते हैं। जो दूसरा होता है ग्रेनुलर पोर्शन, इसे न्यूक्लियोलर राइबोसोम्स के नाम से जो है जानते हैं। तीसरा होता है फाइब्रिलर पोर्शन कहते हैं। फाइब्रिलर पोर्शन जो है तंतुमय होता है। फाइब्रिलर पोर्शन जो होता है तंतुमय होता है, और इसको जो है राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। मेडम बाई, इसके अगर निर्माण की बात करें तो मेडम बाई राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन के जो है ये बने हुए पदार्थ होते हैं। और चौथा अगर बात किया जाए तो चौथा इसमें जो होता है उसको कहते हैं क्रोमेटिन। इसको कहते हैं क्रोमेटिन। जो क्रोमेटिन होता है ये फ्यूजन पॉजिटिव होता है। ये जो है फ्यूजन पॉजिटिव होता है, फ्यूजन धनात्मक होता है। और ये जो क्रोमेटिन होता है ये भी दो प्रकार के होते हैं। दे आर टू टाइप्स, ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इसमें जो है पेरी न्यूक्लियर क्रोमेटिन ये न्यूक्लियोलस के चारों ओर पाया जाता है। ये न्यूक्लियोलस के चारों ओर, जैसे मान लेते ही है ये जो पाया जा रहा है इसको पेरी न्यूक्लियर क्रोमेटिन कहते हैं। जबकि जो दूसरा होता है इसको कहते हैं इंट्रा न्यूक्लियर क्रोमेटिन जो होता है ये न्यूक्लियोलस के अंदर प्रेजेंट होता है। इंट्रा न्यूक्लियोलर जो क्रोमेटिन होता है ये न्यूक्लियोलस के ठीक अंदर की ओर जो है प्रेजेंट होता है। चौथे अगर भाग की बात करें, पहला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेकंड न्यूक्लियोप्लास्ट, थर्ड न्यूक्लियोलस चलाता, फोर्थ की बात करें चौथा जो पार्ट होता है वो होता है क्रोमेटिन थ्रेड। जो क्रोमेटिन थ्रेड होता है, क्रोमेटिन धागे,
जब सेल डिवीजन की प्रक्रिया होती है तो इस सेल डिवीजन की प्रक्रिया में जब कोशिका का विभाजन होता है तो इस कोशिका विभाजन के समय यही जो अत्यधिक संघनित होकर के क्रोमोसोम्स का निर्माण करता है। हालांकि क्रोमोसोम डायरेक्टली बनता है, पहले यह क्रोमैटिस में कन्वर्ट होता है, फिर क्रोमैटिस से जो है क्रोमोसोम का निर्माण यहां पर होता है। अगर क्रोमेटिन थ्रेड की बात करें तो यह जो है इसे हम लोग न्यूक्लियो प्रोटीन के नाम से जानते हैं, इसे जो है न्यूक्लियो प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसमें जो है क्रोमेटिन धागे में न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है और प्लस इसमें जो है एक जो है बेसल बेस का जो है क्षारीय जो है प्रोटीन पाया जाता है, यानी हिस्टोन प्रोटीन इसमें जो प्रेजेंट होता है। हिस्टोन प्रोटीन जो होता है ये बेस नेचर का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। तो इस तरह से इसको न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं। यही क्रोमेटिन क्षण में जो है जो क्रोमोसोम से इसी क्रोमोसोम से डीएनए प्रेजेंट होता है और उस डीएनए में आनुवांशिक लक्षण होते हैं, वो आनुवांशिक लक्षण अगली पीढ़ी में प्रसारित होते हैं। यानी इसी केंद्रक के थ्रू जो है जब सेल डिवीजन होता है तो उस समय साथ साथ न्यूक्लियस का भी डिवीजन होता है। इस न्यूक्लियस डिवीजन के साथ साथ जो इस क्रोमेटिन थ्रेड है इसका भी डिवीजन हो रहा है, जो उसमें क्रोमोसोम से उसका भी डिवीजन हो रहा है और क्रोमोसोम के साथ साथ जो है उसमें डीएनए का भी डिवीजन होता है, जिसके कारण जो है जो उसके पेरेंटल लक्षण होते हैं वो उसके जो न्यू जनरेशन उत्पन्न हो रही है, उसकी संतान हो रही है, उन संतानों में भी जो है इसी के थ्रू जो है प्रसारित होता है। तो ये पूरा जो था ये न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। अगर इसकी बात करें जो सेल के कोऑर्डिनेटिंग सेंटर के फॉर्म में भी इसको जानते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ सेल। जो न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस के न्यूक्लियस पर डिपेंड करता है जो सेल की स्ट्रक्चर या सेल का शेप होता है या जो सेल की जो साइज है वो सब कुछ डिपेंड्स करता है न्यूक्लियस पर ही। और न्यूक्लियस जो होता है न्यूक्लियस है फोर पार्ट। द फर्स्ट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट इज ऑल्सो नोन एज कैरियोथीटा। सेकेंड इज न्यूक्लियोप्लास्ट, ऑल्सो नोन एज कैरियोप्लास्ट। थर्ड इज न्यूक्लियोलस एंड फोर्थ इज क्रोमैटिन थ्रेड। फोर्थ इज नोन एज क्रोमैटिन थ्रेड। क्रोमैटिन थ्रेड जो होता है अगर इसकी बात करें तो जो क्रोमैटिन थ्रेड है इसको जब अभिरंजित किया जाता है तो गहरा रंग ले लेता है। इसको अभिरंजित करने पर एक गहरा रंग ले लेता है, इसलिए इसका नाम रखा गया क्रोमैटिन धागे। क्रोमा में होता है कलर और थ्रेड में होता है धागा। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको क्रोमोनिमेटा भी कह सकते हैं। ये ध्यान रहे इसको जो है क्रोमोनिमेटा भी कह सकते हैं। क्रोमोनिमेटा अर्थ एक ही होता है, कैसे एक होता है देखेंगे। क्रोमो मीन्स कलर एंड निमा मीन्स होता है थ्रेड, ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको अगर स्टेन किया जाए तो वह जो कलर ले लेता है उसी को कहते हैं क्रोमोनिमेटा, ऑल्सो नोन एज क्रोमेटिन थ्रेड भी कह सकते हैं। और ये क्रोमेटिन थ्रेड जब सेल डिवीजन होता है उसमें अत्यधिक संघनित होकर के क्रोमेटिड्स बनाता है और वो क्रोमेटिड्स फिर धीरे धीरे क्रोमोसोम का निर्माण करता है जिस पर डीएनए लिपटे होते हैं और वो डीएनए के अंदर जीन्स जो है पाए जाते हैं। वो जीन्स में जो है लक्षण होते हैं पैरेंटल लक्षण होते हैं जो उसके जो डॉटर सेल है या उसके संतत कोशिका है उसमें जो है प्रवेश करके पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक लक्षणों का प्रसारण करता है। इसीलिए इसको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट माना गया है सेल का। तो ये पूरा जो था आज का टॉपिक ये था न्यूक्लियस। एक छोटा सा टॉपिक था, काफी इजी टॉपिक था, तो इसको अच्छे से पढ़ने से बहुत सारी चीजें जो कॉम्पिटिशन पे बेस्ड होती हैं, जैसे न्यूक्लियस की खोज किसने किया, न्यूक्लियस वर्ड किसने दिया, ये चीज पूछ सकते हैं। कल की केमिकल कंपोजिशन भी पूछ लेते हैं, न्यूक्लियर कोर कॉम्प्लेक्स के जो है उसकी शेप पूछ सकते हैं, बैलेंस शेप, उसकी साइज पूछ सकते हैं 120 नैनोमीटर। न्यूक्लियर कोर कॉम्प्लेक्स लगभग कितनी होती है, 35 से 50 तक इसकी संख्या हो सकती है, ठीक है। इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा आपस में दोनों जुड़े भी होते हैं, ऐसा नहीं कि अलग होते हैं, इसी थ्रू जो है जुड़े होते हैं। इसीलिए इसको जो है न्यूक्लियो पोरिंस के नाम से भी जानते हैं, यानी जो न्यूक्लियर कोर कॉम्प्लेक्स है इसको न्यूक्लियो पोरिंस के भी नाम से भी जो है जानते हैं, न्यूक्लियो पोरिंस। इसी न्यूक्लियो पोरिंस के द्वारा ही जो है जो इसके अंदर जो रेप्लिकेशन की प्रक्रिया होती है, उस रेप्लिकेशन की प्रक्रिया में जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो एमआरएनए इसी न्यूक्लियो पोर के थ्रू जो है निकल करके साइटोप्लाज्म में जाता है। इसके अलावा ये न्यूक्लियोलस होते हैं, न्यूक्लियोलस में आरआरएनए का जो राइबोसोमल आरएनए है उसका ट्रांसक्रिप्शन एवं रिप्लिकेशन की प्रक्रिया इस न्यूक्लियोलस के अंतर्गत होती है। और जो एमआरएनए का सिंथेसिस होता है, एमआरएनए का संश्लेषण होता है वो यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है उस डीएनए के टेम्पलेट सेगमेंट पर एमआरएनए का जो है वहां पर निर्माण होता है। उस एमआरएनए फिर इसी न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू बाहर निकल करके साइटोप्लाज्म में आता है और वहां पर राइबोसोम के साथ जुड़ करके राइबोसोमल आरएनए बनाता है और वो राइबोसोमल आरएनए से
फिर टीए ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड को लेकर क्या होता है, अमीनो एसिड से राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाता है। इसलिए पूरी जो कंट्रोलिंग पावर है वो कंट्रोलिंग पावर जो होती है न्यूक्लियस के पास होती है। धन्यवाद।